Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine, and at the same time you people are being regular with your studies. Today's video is all about organizational culture. We'll understand what does this term actually mean, and at the same time we'll also study and discuss about the different types of organizational culture. So let's proceed with today's video. But as you all know, before starting the video, a reminder for you all, please watch the video till the end. If you like the video, do give it a like, share it with your friends as much as possible, and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's topic, that is organizational culture. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझना चाहें तो वी कैन से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज़ हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम है या जो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे वो रन कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सिंपल एज दैट. फर्स्ट पॉइंट सेज इट सिंपली डिफाइंस द एप्रोप्रिएट वे टू बिहेव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी पर्सन का, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो बॉस हो, उनका बिहेव करने का एक एप्रोप्रिएट वे, एक अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, वो डिस्क्राइब होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में. अभी अप्रोप्रिएट तरीका क्या होता है? टू वर्क इन हार्मनी विद अदर्स, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स, व्हाट प्रॉब्लम अदर्स आर फेसिंग व्हाइल वर्किंग, एंड टू एस्टैब्लिश अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स. सेकेंड पॉइंट सेज इट कंसिस्ट्स ऑफ शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड बाय लीडर्स एंड देन कम्युनिकेटेड एंड रेनफोर्स्ड थ्रू वेरियस मेथड्स. बेसिकली जो ये बिलीफ सिस्टम, ये वैल्यूज़, ये प्रिंसिपल्स जो इस्टेब्लिश करने का काम होता है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स का. बेसिकली द पीपल हु आर द फाउंडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आर इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. तो ये जो बिलीफ सिस्टम होगा, ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये जो प्रिंसिपल्स होंगे, ये फॉर्मुलेट होने के बाद हर एक लेवल पे पास ऑन होंगे. एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज़, द बिलीफ सिस्टम एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन अकॉर्डेंस विद दैट. थर्ड पॉइंट सेज इट हेल्प्स शेपिंग एम्प्लॉय परसेप्शंस, बिहेवियर्स एंड अंडरस्टैंडिंग. एम्प्लॉयज़ का जो एक परसेप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका जो बिहेवियर है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको शेप करने में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत हेल्प करता है. शेप करना यानी कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ के माइंड में कोई नेगेटिव परसेप्शन है, उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना और उनको एक पॉजिटिव आउटलुक देना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अब हम बात कर लेते हैं कल्चर टाइपोलॉजी के बारे में, जिसमें सबसे पहला है नेटवर्क्ड कल्चर विच सेज मेंबर्स आर ट्रीटेड इन फ्रेंडली मैनर. नेटवर्क कल्चर में जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया जाता है. दे आर प्रोवाइडेड विद इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड दे डू नॉट फील दैट प्रेशर ऑफ बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन इज मर्सनरी कल्चर, टास्क एंड कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड, लो ऑन सोशियबिलिटी एंड हाई ऑन सॉलिडारिटी. टास्क और कॉम्पिटिशन, इसके मेन एम होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को टास्क दे रहे हैं और उन्हें कम्प्लीट करना है विद इन द टाइम, एंड कॉम्पिटिशन की एक फीलिंग अराइज होती है विद इन द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन इज कम्पीटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट. सो बेसिकली जो सोशल रिलेशंस है उन पर कम फोकस होता है, टास्क पे और एम्स पे और टारगेट्स पे ज़्यादा फोकस होता है. थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेड कल्चर, कमिटमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे एज अ ग्रुप बात ना करके हम इंडिविजुअल मेंबर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, जिसमें कमिटमेंट, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क को एनालाइज करना है, कंसिडरिंग द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स और एम्प्लॉयज. एंड द लास्ट वन इज कम्यूनल कल्चर विच इज़ हाई ऑन सोशियबिलिटी एंड सॉलिडरिटी बोथ. यानी कि कॉम्पिटिशन भी होगा और सोशल वैल्यूज़ को भी प्रेफरेंस दी जाएगी, सोशल रिलेशनशिप्स को भी प्रेफरेंस दी जाएगी. तो यहाँ पर कम्यूनल कल्चर में वी आर नॉट ओनली म्योरली फोकसिंग ऑन अचीविंग आर टास्क एंड टारगेट्स, वी आर नॉट म्योरली फोकसिंग ऑन द कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट, we are not merely focusing on the competitors but we are also focusing towards building a social relationship within the organization as well as outside the organization with the competitors, with the customers and everyone who is more or less supporting our organization in one or the other way. So this was all about organizational culture. I hope it's clear to you all. Next video in the next topic. Till then,
Take care. Thank you. That's all for today. And please do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Thank you.